नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं वेजिटेबल फ्राइड राइस की रेसिपी, जिसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इजी वे में बनाऊंगी, जिससे कोई भी आसानी से बनाकर खा सके। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं चावल को बॉयल करूँगी, जिसको मैंने चावल ले लिया है। तो चावल लेने के बाद उसे तीन चार पानी से अच्छी तरीके से धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्का सा नमक, सॉल्ट और हाफ टी स्पून लेमन जूस, नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चावल जो है खिला खिला बनता है। मैंने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब मैं इसे ढक के कुक होने तक 90% तक ही कुक करना है, पूरा 100% कुक नहीं करना है। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर राइस बचे हुए हैं, रात के बनाए हुए चावल बचे हुए हैं, तो आप आसानी से इस रेसिपी को 2 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं राइस को बॉयल होने देते हैं, तब तक मैं इन सब्जियों को कट कर लेती हूँ। मैंने लिया है हाफ कैप्सिकम लिया है, एक कैरेट लिया है स्मॉल साइज का, कैबेज लिया है, जिंजर अदरक का टुकड़ा, 4-5 लहसुन की कलियाँ, कुछ स्प्रिंग अनियन है, ग्रीन अनियन है, और ग्रीन अनियन के ही ये वाइट वाले पार्ट है। तो चलिए मैं इन सभी सब्जियों को, और लिया है मैंने मटर, फ्रोजन मटर है ये। इन सभी सब्जियों को, चावल जब तक उबल रहा है तब तक मैं इन सब्जियों को काट कर रेडी कर लेती हूँ। चावलों को चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं हल्का सा इसमें कसर बचा हुआ है। अब मैं इस स्टेज पे इस गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और चावल को ड्रेन कर लूंगी, पानी को साइड कर लूंगी। मैं चावलों का पानी को साइड करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चावलों को मैंने इस छन्नी में छान कर रेडी कर लिया है। अब मैं इस छन्नी को पंखे के नीचे रख दूंगी। इसे ठंडे पानी से धोना नहीं है, क्योंकि पानी से ऊपर से पानी डालकर धोने से चावल की जो अपनी स्वीटनेस होती है, मिठास होती है, वो गायब हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, ना ही इसमें तेल डालना है। ये ऑलरेडी 90% कुक्ड है, ये बिल्कुल चिपकने वाला ये नहीं है। और कभी भी इस तरह का रेसिपी बनाने के लिए आप जिस चावल का चुनाव कर रहे हैं, वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वो पुराना ओल्ड राइस हो। तो ओल्ड राइस का जो है रेसिपी बिल्कुल चिपकेगा नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो चलिए मैं इसे पंखे के नीचे रख देती हूँ मैं, ताकि ये ठंडा हो जाए। चावल को ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। चावल जब तक ठंडा हो रहा है तब तक मैं इन सब्जियों को फ्राई करके तैयार कर लेती हूँ। मैंने इसके लिए गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी घी, देसी घी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तब मैं डालूंगी शाह ज़ीरा, शाह ज़ीरा जब हल्का सा क्रैकल होना शुरू हो जाए तब मैं डाल दूंगी ये गार्लिक और अनियन, गार्लिक और जिंजर है ये, लहसुन और अदरक है, इन सबको डाल दूंगी मैं। ध्यान रहे गैस को हमेशा हाई फ्लेम ही रखें। हल्का सा जब लहसुन भुन जाए तब मैं डाल दूंगी इसमें अनियन। ये ग्रीन अनियन का ही जो वाइट पार्ट होता है वही है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अनियन को भी मैं हल्का सा भून लूंगी।
ध्यान रहे वेज फ्राइड राइस में जो सब्ज़ी कटिंग करते हैं, आप अगर किसी सब्ज़ी को हल्का मोटा काट रहे हैं तो उसी साइज में ही अनियन गार्लिक सभी सब्ज़ियों को एक ही साइज में काटें। बारीक काट रहे तो बारीक काटें, हल्का मोटा काट रहे हैं तो एक ही साइज़ में होना चाहिए। मैंने प्याज को हल्का सा भून लिया है, अब मैं डाल दूँगी इन सब्ज़ियों को एक ही साथ डाल दूँगी मैं। आप अपने पसंद के हिसाब से सब्ज़ियों का चुनाव कर सकते हैं, इसमें आप बीन्स भी डाल सकते हैं। ऐसी सब्ज़ी होनी चाहिए जो हल्का सा क्रंची होने के बाद भी आदमी खा सके। अब मैं डाल दूँगी ये मटर। अब मैं इसमें डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक। ध्यान रहे चावल में भी नमक डाला हुआ है और सोया सॉस मैं डालूंगी, उसमें भी नमक होता है। नमक डालने के बाद मैं डाल दूंगी फ्रेश कुटा हुआ ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसको मैंने अभी कूटकर तैयार किया है, तो मैं डाल दूंगी काली मिर्च को। इन सब्ज़ियों को चलाते हुए आधा से एक मिनट तक फ्राई कर लूँगी मैं। सब्ज़ियों को मैंने आधा मिनट के आसपास फ्राई कर लिया है तेज फ्लेम पे। अब मैं डाल दूँगी 1/4 teaspoon रेड चिली पाउडर। रेड चिली डालने के बाद मैं डाल दूंगी इन चावलों को जो ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इन चावलों को बिल्कुल अच्छी तरीके से, सबसे पहले मैं डाल दूंगी इसमें लगभग 1 teaspoon जितना सोया सॉस। ध्यान रखें चावलों के ऊपर ही डालें, सब्जियों पर ना डालें। बहुत ज़्यादा सोया सॉस ना डालें, हाफ से एक टी स्पून तक ही डालें। खैर वो अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालें, मैंने 1/2 teaspoon डाला है। अब मैं डाल दूंगी हल्का सा विनेगर। आप देख सकते हैं बिल्कुल 1/4 teaspoon विनेगर है जिसको मैं डाल दूंगी। अच्छी तरीके से मैं इनको मिला दूंगी। मैं हल्के हाथों से चलाएं, नीचे से चावलों को उठाएं ताकि चावल टूटे नहीं। अब मैं डाल दूंगी स्प्रिंग अनियन, हरे प्याज का हरा हिस्सा। प्याज को डालने के बाद मैं इसे एक बार और अच्छी तरीके से चला दूंगी। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब मैं सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैं
बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, जिसे कोई भी आसानी से बनाकर खा सके। मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इन चावलों को सर्व किया है अनियन रायता के साथ और थोड़े से आम के कुच्चा अचार, लच्छा अचार के साथ। प्लीज़ आप मेरे तरीके से इस वेज फ्राइड राइस की रेसिपी को बनाएं और मेरे तरीके से ही बिल्कुल अपनी थाली को सजाएं और खाएं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे मैंने बनाया है ताकि आपको बनाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ आप मेरी तरीके से ही इस रेसिपी को बनाएं और खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।